वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 10 क्यों जीमल। तो आज हम करेंगे पार्ट 10 क्यों जीमल और कैसे कैसल्या, एक कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले हम कठिन शब्द करते हैं। क्यों जी मल, क्यों तो हमें पता ही है हम कैसे लिखते हैं, क्यों जी भी पता है कैसे लिखते हैं, जी मल मल मल, क्यों जी मल। दोस्त समूह में रह गया। कैस, कैस आपको पता है ना कैसा लिखते हो, जब उसमें कैस आता है पहले, कैस लिया, लिया अलग, तो कैस लिया इकट्ठा कर दिया हमने। मौका मुलाकात, नमस्ते। किधर, कि धर अलग अलग जोड़ के इकट्ठा कर दिया हमने तो किधर बन गया। गेहूं, साइकिल, थैली, पैदल, पदल तो नहीं ना है ये, पै दो मात्राएं, जैसे थैली में थी दो मात्राएं, पैदल। अच्छा, च मुंह के अंदर रह गया, अच्छा। सानी गे, गे सानी ने, ये देखो सानी गे। फुलाई ए, फुलाई गे। रोटी गाड़ी, शिव दास, शिव और दास को इकट्ठा कर दिया शिव दास। चक्की, भैया, थोड़ा, तो हमने अभी तक क्या कर रहे थे, कठिन शब्द। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। चलिए अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। नंबर 1, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। वेरी इजी उत्तर, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। नंबर 2, क्यों जी मल और कैसे कैसल्या से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। क्यों जी मल और कैसे कैसल्या की क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे ना उनके प्रश्न, तभी तो हटके रह जाएंगे। इसलिए उनसे मिलने पर दोनों के बीच भटकते ही रह जाएंगे, क्योंकि उनके प्रश्न ही नहीं खत्म होंगे। नेक्स्ट, नंबर 3, शिवदास ने गुरु जी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। आंसर, शिवदास ने सोचा भारी थैली हाथ में ले जाते हुए गुरु जी थक जाएंगे। तो शिवदास ने क्या सोचा कि गुरु जी थक जाएंगे, इसलिए शिवदास ने गुरु जी को गाड़ी दे दी। हेल्प करी ना उन्होंने उनकी, शिवदास जी ने। नेक्स्ट, नंबर 4, चाय, सब्जी, दाल, हलवा, लस्सी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, अब बताओ क्या करना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। उत्तर, सबसे पहले चाय, चाय बनाने के लिए पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध डालकर पकाना पड़ता है। अब इन तीनों चीजों को यदि अच्छी तरह पका लो तो चाय बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट, सब्जी को अच्छे से धोकर और काटकर कढ़ाई या कुकर में बनाना पड़ता है, पहले काटना पड़ता है फिर कढ़ाई या कुकर में बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, दाल, दाल को धोकर कुकर में बनाना पड़ता है। हलवा, घी से आटे को अच्छे से भूनकर, जो घी होता है ना उसके अंदर आटे को डाल दो और अच्छे से भून लो, और उसमें चीनी, पानी और मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट डालकर बनाया जाता है। अब मम्मी को देखना बनाते हुए कभी कि मम्मी कैसे बनाती है। नेक्स्ट, लस्सी, दही को मधानी या मिक्सी की सहायता से घुमाया जाता है, दही जो होती है ना उसको मधानी या मिक्सी में घुमाया जाता है अच्छे से, और फिर उसमें नमक डाला जाता है। लो जी हमारी लस्सी तैयार है।
जिन्होंने अभी तक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि उनको हमारी और वीडियो भी मिलती रहे।